मोदी जी से भीख मांगते आपसे, आप क्यों चावल देते हैं? आप चावल क्यों देते हैं? आप वृद्धा दे दिए सबको, आप वृद्धा पेंशन 1000 क्यों नहीं करते हैं? एक गरीब बूढ़ा को वृद्धा पेंशन 1000 क्यों नहीं करते हैं? इसका बेटा खाने नहीं देता है, उसको क्यों नहीं देते? सबको पक्का मकान मिल गया। पक्का मकान किसको दिया? वो दिया है 15 लाख दिया है, आप खाता में आप दिया है। झूठा है, झूठा है, झूठा है। तो 15 लाख दिया है, अरे हम खुल के बोलते हैं, कोई माइकल आले बताइए 15 रुपया भी नहीं देता है। हिंदू मुस्लिम का राजनीति करता है, कौन करता है? नरेंद्र मोदी राम जानकी मंदिर को राजनीति करता है। नरेंद्र मोदी हिंदू मुस्लिम का लड़ा लड़ाता है। नरेंद्र मोदी आएगा तो मोदी ही, मोदी नहीं आएगा। नरेंद्र मोदी जाति पाति को लड़ा लड़वाता है। नरेंद्र मोदी अफसर शाही राज चला रहा है, यहाँ गरीबों को नहीं देखता है, धनिकों को देखता है। नरेंद्र मोदी मंदिर से क्या होने वाला है? नौकरी होगा मंदिर में, हम नौकरी करने जाएंगे मंदिर में, हमारा बाल बच्चा मंदिर में जाएगा। सबसे फालतू बात बोलते हैं, जब मोदी जी मंदिर बनवाए, मस्जिद बनवाओ, यहाँ पब्लिक रोड पे बोवाओ। अभी करप्शन क्यों बढ़ रहा है? इतना पब्लिक क्यों मर रहा है? क्यों लड़ा हिंदू मुस्लिम क्यों लड़ रहा है? किसके बदौलत? यही मोदी जी के बदौलत। प्रधानमंत्री आज तक नहीं बना था भारत में, ये तो इतना बेवकूफ बनाता है पूरे भारत पब्लिक को। 200 रुपया ही कमाया है, फिर ये जो बन जाएगा प्रधानमंत्री तो 2000 कर देगा ये गैस सिलेंडर का। यही है नरेंद्र मोदी। इस वक्त मैं मधुबनी में हूँ। मधुबनी में कर्पूरी चर्चा चल रही है, जिसकी अध्यक्षता शैलेंद्र मंडल जी कर रहे हैं, जो शिला मंडल के हस्बैंड हैं। शिला मंडल मैम परिवहन मंत्री हैं बिहार सरकार में, और रामनाथ ठाकुर जी भी हैं, कर्पूरी ठाकुर के पोते हैं, सांसद भी हैं, साथ में प्रदेश अध्यक्ष जदयू के उमेश कुशवाहा जी मंच पर आसीन है। अभी रामनाथ ठाकुर जी का लगातार भाषण चल रहा है। आप देखिए कि कर्पूरी पे चर्चा के इस कार्यक्रम में सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग सुनने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। लगातार कार्यक्रम चल रहा है, हम आप भीड़ को दिखा दीजिए। महिलाओं की संख्या भी कहीं ना कहीं इसमें देखें कि काफ़ी अधिक है, महिलाएं भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रही है। कर्पूरी जी की प्रासंगिकता लगातार बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे कहा जाता है कि 21वीं सदी भोले पेरियार अंबेडकर कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा का कहीं ना कहीं देश होगा, तो कर्पूरी जी की महत्ता इसलिए बढ़ गई क्योंकि कर्पूरी जी ने पहली बार मुख्यमंत्री बनते ही मुंगेरी लाल कमीशन के रिकमेंडेशन पे उन्होंने अति पिछड़ा आरक्षण कहीं ना कहीं उन्होंने लागू करवाया था सरकारी नौकरियों में। उस वक्त वो सवर्णों के टारगेट में आ गए थे, लगातार उनकी लिंचिंग करने का प्रयास किया जा रहा था, कई सारे नारे भी गांव ग्रामीण में उनको गाली देने के लिए बनाए गए थे, कर पूरी कर पूरा गद्दी छोड़ धरस्तूरा, इस तरह के नारे लगते थे। लगातार लोग उनकी गालियों के साथ कई नारे स्लोगन्स बना दिए थे, जो अग्रणी जाति का समाज था उसे कष्ट हुआ था, क्योंकि कहीं ना कहीं कर्पूरी जी ने जो अति पिछड़ा का आरक्षण का प्रावधान किया था। फिर आगे चल के फिर बीपी मंडल साहब के, जब बीपी सिंह पीएम बने तब जाके मंडल कमीशन भी लागू हुआ था, लेकिन आरक्षण की शुरुआत अति पिछड़ा वर्ग के लिए कर्पूरी जी ने पहली बार बिहार की धरती से ही शुरुआत किया था। सरकारी नौकरियों में कहीं ना कहीं आरक्षण देने का काम किया था। उनकी चर्चा लगातार की जाती रही है, भारत के बिहार के जननायक कहीं ना कहीं कर्पूरी ठाकुर जी को कहा जाता है, दो बार मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के विचारधारा पे आज चर्चा हो रही है। लगातार आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में युवा हैं, युवतियाँ हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, युवक हैं, तमाम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। लगातार उनकी चर्चा चल रही है, उनके कामों की चर्चा हो रही है, और जिस प्रकार से वह दौर, उस दौर को आप याद कीजिए, 70-80 का दशक था, लगातार जो है अग्नि पिछड़ी के बीच में लड़ाइयाँ काफ़ी तेज हो गई थी। उस वक्त में कर्पूरी जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो एसटी समाज है उसको लाइसेंस लेने के लिए, मीन्स बंदूक रखने के लिए उन्होंने लाइसेंस फ्री कर दिया था कि आप लाइसेंस लीजिए और आत्मरक्षा कीजिए, उससे समाज में क्रांतियाँ आई थी। फिर उसके बाद जो उत्थान उभार हुआ बैकवर्ड कम्युनिटी का, लगातार उसको लालू जी ने आगे बढ़ाया है, और जातिवाद के खिलाफ कहीं ना कहीं लंबी लड़ाई के तौर पे उनको याद किया जाता है कि उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी है। कर्पूरी जी उस वक्त में अग्री मीन्स लीड कर रहे थे वो, उसके बाद आप जानते ही हैं कि लालू यादव जी ने उसके खिलाफ लड़ाई लगातार लड़ी थी, फिर नीतीश जी का इरा आया और लगातार विकास के काम बिहार में जैसा कि दावा है कि हुआ है, और देखिए उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। जदयू पार्टी से आती हैं, फुलपरास से विधायक हैं सिला मैम, सिला मंडल जी,
और उनके हस्बैंड इंजीनियर शैलेंद्र जी हैं, वो मंचासीन हैं, यहीं से जीत के वो जाती हैं। और यहाँ के जो वर्तमान सांसद हैं झंझारपुर के रामप्रीत मंडल, शायद वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, साथ में रामनाथ ठाकुर जी हैं जो कर्पूरी जी के पोते हैं, उनका भाषण चल रहा है। अब देखिए तमाम लोग यहाँ पे उनके भाषण को सुन रहे हैं, हम लोगों से ही बातचीत करने का प्रयास करेंगे। घुमाइए कैमरा, हम लोगों से ये बातचीत करने का प्रयास करें कि कर्पूरी जी को वो लोग कैसे याद करते हैं, कितना जानते हैं उनके बारे में, और उनकी आज प्रासंगिकता क्या है। कई काम हैं उनके जिसको लगातार जिसकी चर्चा पूरे देश में होती रही है। कर्पूरी जी ने जो अति पिछड़ा समाज के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी वह सबसे महत्व कामों में था। मुंगेरी लाल कमीशन को उन्होंने मुंगेरी लाल के रिकमेंडेशन पर उन्होंने आरक्षण को लागू किया था। सबसे पहला बिहार ऐसा राज्य बना था जहाँ पे अति पिछड़ा समाज का वो आरक्षण कहीं ना कहीं दिया गया था। उसको लेके जो बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं वो उन्हें अपना भगवान समझते हैं, एक महान समाज सुधारक के तौर पे उनको जाना जाता है। यहाँ देखिए कई सारे मंच बने हुए हैं, अमर शहीद पीर अली मचान है, ये मचान बने हुए हैं। आगे देखिएगा जुब्बा साहनी जी का मचान, उनके नाम से मचान बना हुआ है। और आगे देखिएगा तो रामफल मंडल शहीद अमर शहीद रामफल मंडल के नाम से मचान बना हुआ है। और यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे कि कर्पूरी जी के बारे में क्या जानते हैं, कैसे जानते हैं, और उनको क्यों फॉलो करने की आवश्यकता है, क्यों मानने की आवश्यकता है। सर क्या नाम हुआ आप लोगों का? भोला प्रसाद मंडल। कर्पूरी जी के बारे में क्या जानते हैं सर? आप लोग को तो याद ही होगा उनका पूरा। हाँ, वो सब यादें हैं। यहीं से जीतते भी थे वो। हाँ, यहीं से एक बार यहीं से जीते थे। हाँ। कभी मौका मिला उनसे मुलाकात का? तो यहाँ यहीं पर आए हुए थे तो हम लोग। हाँ, मिलते थे उस वक्त में। उस वक्त में मिलते थे ना। हाँ हाँ, काफी ईमानदार और कर्मठ कहा जाता था। हाँ, इसीलिए उनको जननायक कहा करते। जननायक कहा जाता है तो आज के डेट में आज का जो अभी दौर चल रहा है, मोदी जी का मोदी काल चल रहा है, इसमें कर्पूरी जी को याद करने की क्या आवश्यकता है, क्या लगता है चाचा? उनके राह पर कहता है चलने के लिए जिस तरह से कर्पूरी जी ने किया है बिहार के लिए। हाँ। उस तरह से अभी तक कोई नेता नहीं किया, कोई नहीं कर पाया। इतना पैसा नीतीश कुमार दे रहा है, देखिए जाकर स्थिति गांव घर में क्या स्थिति है, न रोड है न सड़क है। अभी तक वार्ड सदस्य का 500 रुपया भत्ता दे रहा, अभी तक भत्ता भी नहीं मिला है, दो साल का क्या चलेगा राज्य बताइए। कर्पूरी जी का देन जो था वो सही। मोदी जी जो 9 साल देश में शासन किए हैं उसको आप कैसे देखते हैं, क्या अच्छा काम कर रहे हैं, क्या लोगों तक सुविधाएं पहुंच रही है? एक दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा कर रहे हैं देश के लेवल के आधार पर। हाँ। वो तो बहुत मजबूती किए हैं। अभी भी जैसे राम जन्म भी कुछ काज उनका ऐसा बोलता है कि महंगाई उंगाई बढ़ा दिए मोदी। महंगाई क्या बढ़ेगा, सब दिन होता, महंगाई तो वैसे ही बढ़ता आता है। आप लोग नीतीश के साथ हैं कि मोदी के साथ हैं? हम लोग तो नीतीश की दल बदलू को देख करके हम लोग तो उब गए इस बार। हाँ। जो ये नीतीश जी भी कोई काम के नहीं रहे, इधर से उधर जल नल में कहीं चल रहा है। क्या हुआ, इससे अच्छा तो हर घर में एक एक नल दे, कल दे देता। चुनाव है मोदी जी का 24 में, तो लाइएगा उनको वापस। हाँ, लाएंगे। मोदी जी पसंद है? हाँ। क्यों पसंद है? काम किया है, गरीब का सेवा किया है। हाँ, सबको सस्ता कर दिया मोदी। किया ना, फ्री में इतना कोरोना में सबको गुजर करवाया है। मोदी जी ने तो सब मर जाता। सही बात है, सब मर जाता, मरता ना। हाँ। कहाँ से क्या होता, मोदी जी वैक्सीन निकाल दिए, सब कुछ सस्ता भी कर दिया, कर दिया है। किया सस्ता? हाँ, किया। कैसे मिलता सिलेंडर आपको? इस बार सिलेंडर सस्ता कर दिया। कितना में कैसे? 1000। 1000 अब हो गया, 1000 सस्ता हुआ। जब आए थे उस समय 1400 था, सॉरी 400 था। अभी तो भी महंगा मिल रहा था, अब कम किया है, फिर महंगा करके फिर कम कर दिया। कम किया है ना, अच्छा कर दिया था, पेट्रोल सस्ता कर दिए हैं। वो तो कोई भी सरकार होगा तो कम बेसी तो उतार चढ़ाव होगा ही होगा। सबको 15 लाख रुपया देंगे, आप लोग को आ गया? नहीं, वो थोड़ा ही वादा पूरा करता है, वैसे नेता लोग कहता है। हाँ। जो कहता है वो थोड़ा ही करता है। तो मोदी जी जो कहते हैं नहीं करते हैं? कहाँ हुआ है, उनका हाँ। भी नहीं हो रहा है। मोदी जी को वोट दीजिएगा ना। देंगे तो उन्हीं को वोट हम लोग। हाँ, वादा भी पूरा नहीं करते, फिर वोट दीजिएगा, उन्हीं को देंगे। चलिए, ये लोग हैं, कर्पूरी पे चर्चा लगातार चल रही है। कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री दो बार रहे थे और दो बार उप मुख्यमंत्री भी रहे थे, लेकिन पिछड़ा अति पिछड़ा बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए जितना उन्होंने काम किया, कहा जाता है कि उतना काम किसी ने भी लाइन लेके नहीं किया।
साथ में उस वक्त जो जातिवाद चरम पे था उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। सरकारी नौकरियों में कहीं ना कहीं जो अति पिछड़ा समाज है, ओबीसी कम्युनिटी को उन्होंने आरक्षण देने का काम किया था मंडल कमीशन लागू होने से पहले। ये ऐतिहासिक है, इसलिए उनको लोग याद करते हैं, उनके चर्चे करते हैं। आइए थोड़ा सा आंटी लोगों से ये बात कर लेते हैं। नीतीश कुमार पसंद है क्योंकि हम लोग को जल नल का काम किया दिया था। तो मोदी जी कहन पसंद है भाई? मोदी जी पसंद है, दोनों सरकार हम लोग के बराबर है। मोदी सरकार 6,000। अब मोदी जी अलग लड़ेंगे या नीतीश कुमार अलग लड़ेंगे, किसको वोट दीजिएगा? मोदी जी दीजिएगा कि नीतीश दीजिएगा? हम लोग तो मोदी सरकार को देंगे वोट। मोदी वोट दीजिएगा? मोदी जी घोषणा किए हैं, काम क्या किया? काम नहीं हो पाया। काम नहीं हो पाया? काम नहीं हो पाया। क्या बात करते हैं, लगातार दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी का, आप कहते हैं काम नहीं किए हैं। सबका अपना मोदी, कोनो काम नहीं किया, कोनो काम नहीं किया मोदी। ऐसा पीएम आज तक देश में नहीं बना कोई, कोई मोदी काम नहीं किया। पाकिस्तान को थर चाइना झूठा प्रधानमंत्री आज तक नहीं बना था भारत में। हाँ जी मोदी जी जी, सबका 15 लाख गरीब को बर्बाद कर दिया। बोला 15 लाख रुपया हर माने गरीब को मिलेगा। हाँ। उसके बाद जब पूछा गया तो अमित शाह बोला, मैं ये तो था जुमला, माने थोड़ा बहुत हंसी मजाक चलता है। हंसी मजाक कैसे, गरीब को बिल्टा दिया नोटबंदी करके, हजारों फैक्ट्री बंद हो गया, गरीब जो है पूरा। उसके बाद लॉकडाउन 19 महीना किया, 25 महीना पूरे गरीब बर्बाद हो गया। गरीब को 5 किलो अनाज दे करके ये जो है ठक रहा है। 5 किलो अनाज कई रोज खाएगा, उसमें भी एक केजी अनाज जो है पहले डीलर काट लेता है। सस्ता तो कर दिए सिलेंडर, कौन चीज सस्ता हुआ है? 400 रुपया था माने अधिक क्या कहता है गैस सिलेंडर का 14 में, और उसके बाद ही 1200 कर दिया। ये तो इतना बेवकूफ बनाता है पूरे भारत पब्लिक को। 200 रुपया ही कमाया है, फिर ये जो बन जाएगा प्रधानमंत्री तो 2000 कर देगा ये। हाँ। गैस सिलेंडर का यही है नरेंद्र मोदी जी जो बोले किए, बोले मंदिर बनवा देंगे, मंदिर बनवा दिए। मंदिर से क्या होने वाला है? पूजा करिएगा, आप मंदिर में पूजा कीजिएगा। मैं बेनीपट्टी से चल के यहाँ आया हूँ अभी। मंदिर में पूजा नहीं होगा, नौकरी होगा मंदिर में, हम नौकरी करने देंगे मंदिर में, हमारा बाल बच्चा मंदिर में जाएगा। घंटा डोलाइएगा, घंटा डोलाने के लिए कमाने के लिए पढ़ाई लिखाई के ध्यान देते नहीं है, सबसे फालतू बात बोलते हैं। मोदी जी मंदिर बनवाए, मस्जिद बनवाओ, यहाँ पब्लिक रोड पे बोवाओ। अभी करप्शन क्यों बढ़ रहा है, इतना पब्लिक क्यों मर रहा है, क्यों लड़ रहा है हिंदू मुस्लिम, क्यों लड़ रहा है, किसके बदौलत? यही मोदी जी का बदौलत। क्यों मंदिर मस्जिद को कहा तो क्यों इसको क्यों मुस्लिम को हिंदू को क्या राज करवाता है? सो बोले बताइए, सिटी में पब्लिक सिटी को देखिए, पब्लिक में क्या तकलीफ है? मोदी जी खराब नहीं है, मोदी जी ऐसा आदमी है जो पब्लिक को देखता नहीं है, सिर्फ बोलता है। प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो? सुनिए ना, झंझारपुर में हम लोग हैं, यहाँ किसका माहौल है? कौन माहौल है? नहीं है अभी माहौल किसी का नहीं है, माहौल आने समय में माहौल बनता है। माहौल ऐसा नहीं होता घर घर में घुस के चोर ढुकता है, वहाँ माहौल खराब होता है, माहौल बनता है ऐसा है, हम सब नहीं देखे हैं। 40-50 वर्ष उम्र हो गया है, कैसे तो चोरी करता है? बहुत बोल लिया मोदी, बहुत बोल रहा है, आप बहुत बोलते हैं। मोदी जी पहले काम सुनिएगा। मोदी जी हर घर को 5 केजी राशन दे रहे हैं। क्यों दे रहा है? भीख मांगा बना दिया, काहे मांगते भीख मांगते आपसे? आप क्यों चावल देते हैं? आप चावल क्यों देते हैं? आप सिलेंडर दे दिए सबको, आप वृद्धा पेंशन 1000 क्यों नहीं करते हैं? एक गरीब बूढ़ा को वृद्धा पेंशन 1000 क्यों नहीं करते हैं? इसका बेटा खाने नहीं देता है, उसको क्यों नहीं देता? सबको पक्का मकान मिल गया। पक्का मकान किसको दिया? वो दिया है, कितना पैसा दिया पक्का मकान का? 15 लाख। 15 लाख दिया है आप खाता में? आप दिया है? झूठा है, झूठा है, झूठा है। तो 15 लाख दिया है, अरे हम खुल के बोलते हैं, कोई माइकल आला बताइए 15 रुपया भी नहीं देता है। गरीब का बेटा चाय बनाने वाला पीएम बन गया, आपको दिक्कत हो रहा? कौन बना है? गरीब का बेटा पीएम था वो नहीं, 20 साल सुनिए सुनिए बात, अति पिछड़ा है कभी बोलता है, हाँ अति पिछड़ा का बेटा है कभी बोलता है हम पिछड़ा है, कभी हम चाय बेचे तो यही है बेवकूफ। हिंदू मुस्लिम का राजनीति करता है? कौन करता है? नरेंद्र मोदी राम जानकी मंदिर को राजनीति करता है। नरेंद्र मोदी हिंदू मुस्लिम का लड़ा लड़ाता है। नरेंद्र मोदी आएगा तो मोदी ही। हाँ मोदी आएगा, मोदी नहीं आएगा। अरे मोदी आए या चाहे कोई भी आए, लेकिन हमारा पब्लिक सिटी में काम होना चाहिए और कुछ नहीं लड़वाता है।
नरेंद्र मोदी जाति पाँच को लगा लड़वाता है। पूरा वर्ल्ड में डंका बज रहा मोदी। अरे हमारे देश में पूरा विश्व में डंका बज रहा है, हमारा विश्व में डंका हो जाए, वहाँ चला जाएगा ना, हमारा देश में डंका बज रहा है, ठीक है। लेकिन जब आज का विद्यार्थी बोआ रहा है रोड पे, उसके लिए क्यों ना डंका बजाता है? 2 करोड़ रोजगार दे रहे हैं। कहाँ कहाँ, कितना उम्र है आपका? कितना उम्र है? 30 30। कितना रोजगार कर रहे हैं? कितना उम्र से रोजगार कर रहे हैं? पूरा देश रोजगार कर रहा है। फिर वही बात, आप क्यों नहीं रोजगार करते? ये लेकर के घूमते हैं पब्लिक में। ये रोजगार नहीं है। नहीं रोजगार है। आप कितने पढ़े लिखे हैं? हम मूर्ख हैं। रोजगार मतलब पते नहीं है। अफसर शाही राज चला रहे हैं हिंदुस्तान को। नरेंद्र मोदी अफसर शाही राज चला रहा है। यहाँ गरीबों को नहीं देखता है, धनिकों को देखता है। नरेंद्र मोदी बोलाइए, हम वार्ड सदस्य बोल रहे हैं, हम वार्ड सदस्य है, हम बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी को हटाओ, गरीब को हटाओ, गरीब को हटाओ, गरीब का क्यों हटाओ? गरीब रहेगा तब तो ना चलेगा देश, सब अमीर हो जाएगा, सब अमीर हो जाएगा तो कौन जाएगा? अब अमीर हो जाएगा तो कौन जाएगा नरेंद्र मोदी के पास, क्या खिलाएगा? चलिए, तो ये मधुबनी है, मधुबनी में कर्पूरी चर्चा हो रही है जिसमें ये लोग मौजूद थे और मोदी जी को लेके काफी गुस्से में हैं। जो वादा मोदी ने किया था उसको लेके वे लोग शायद नाराज है, खुश नहीं है, इसलिए मोदी जी को लेके इनका अपना परसेप्शन है कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया है। मोदी जी ने कितना कुछ किया है, क्या 24 में वापस वो रिटेन कर पाएंगे, क्या सत्ता में वो हैट्रिक लगा पाएंगे? सवाल आपसे भी रहेगा, अपनी प्रतिक्रिया आप दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।